साजिद नाडियाडवाला ने इससे पहले कभी भी उनके दोस्त सलमान खान की गर्लफ्रेंड्स या एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ काम नहीं किया है, पर हाल ही में उन्होंने इस ट्रेंड को तोड़कर सलमान की अलेजेड एक्स कटरीना कैफ को साइन कर लिया फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म विद सैफ अली खान, विच विल बी डायरेक्टेड बाय कबीर खान। खबरों की माने तो जंजीर रीमेक का प्रियंका चोपड़ा पर पिक्चराइज सॉन्ग पिंकी विल बी प्रमोटेड एज द मेन हाईलाइट ऑफ द फिल्म, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पीसी हैज स्पेशल प्लान्स ऑफ प्रमोटिंग दिस सॉन्ग एक्सटेंसिवली। माधुरी दीक्षित, जो कि उनकी फिल्म्स, टेलीविजन शो और ब्रांड एंडोर्समेंट कमिटमेंट्स को लेकर काफी बिजी है, इज नॉट बीइंग एबल टू स्पेंड टू मच टाइम विद हर किड्स। माधुरी ने अपेरेंटली उनके बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही उन्हें वेकेशन पर लेकर जाएंगी, बट शी हैजंट बीन एबल टू लिव अप टू दैट प्रॉमिस ईदर। सनी लियोनी अपेरेंटली मुंबई में एक घर खरीदना चाहती हैं, और सनी, जो कि हाल ही में गोवा में उनकी फिल्म जैकपॉट की शूटिंग कर रही हैं, विल गो हाउस हंटिंग विद हर हस्बैंड एज सून एज शी इज बैक फ्रॉम गोवा। सचिन जोशी ने हाल ही में उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उनका बर्थडे मनाया, और उनकी वाइफ रायना ने उनके लिए एक स्पेशल केक बनवाया विच हैड अ लव लेटर रिटन ऑन इट। इस बात से सचिन हुए काफी टच्ड। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, काजोल और शाहिद कपूर टेलीविजन पर एक 7-आवर मैराथन एंटरटेनमेंट शो होस्ट करने वाले हैं, विच एम्स टू रेज फंड्स फॉर द उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स। इस शो को इंडिपेंडेंस डे पर एयर किया जाएगा। हमारे सामने आए हैं शाहरुख खान की पार्टी की कुछ इनसाइड पिक्स, लेट्स हैव अ लुक। मुंबई की एक इंग्लिश जेली की माने तो म्यूजिक माइस्ट्रो ए.आर. रहमान अब एक हिंदी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी कहानी उन्होंने खुद लिखी है इन कोलैबोरेशन विद अ टीम ऑफ इंटरनेशनल एंड लोकल टैलेंट्स, और इस फिल्म का म्यूजिक रहमान खुद ही कंपोज करेंगे। बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर सलीम और सुलेमान मर्चेंट इन दोनों हॉलीवुड फिल्म सोल्स के लिए म्यूजिक कंपोज करने में बिजी हैं, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं एकेडमी अवार्ड विनर जेफरी टी ब्राउन। इस फिल्म की शूटिंग कोलकाता में की गई है। सुनने में आया है कि करीना कपूर उनके हस्बैंड सैफ अली खान की नेक्स्ट फिल्म हैप्पी एंडिंग में एक स्पेशल अपीयरेंस देती नजर आएंगी, वेयर शी माइट ईदर डू ओनली अ सॉन्ग और इवन बी पार्ट ऑफ अ सीन। करीना इस फिल्म के लिए यूएस में शूट करेंगी, और उनकी अपीयरेंस के डिटेल्स काफी हश हश रखे जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण कुडंट अटेंड शाहरुख खान्स ईद पार्टी लास्ट सैटरडे, विच वाज अदरवाइज अटेंडेड बाय अ लॉट ऑफ बी टाउन बिगीज, एज शी हैड टू गो टू मिलान टू शूट फॉर एन एड। इस एड शूट का शेड्यूल करीबन 4 महीने पहले फिक्स किया गया था एंड इट कुड नॉट बी कैंसल्ड। इमरान खान ने हाल ही में एकता कपूर की नेक्स्ट फिल्म से ऑप्ट आउट कर लिया टू बी अ पार्ट ऑफ विक्रमादित्य मोटवानीज नेक्स्ट फिल्म, वेयर ही विल रिपोर्टेडली बी प्लेइंग अ सुपर हीरो। एकता की फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को फाइनलाइज कर लिया गया था, और अब अपेरेंटली इमरान की जगह पर पीसी के अलेजेड एक्स फ्लेम शाहिद कपूर को रोप इन कर लिया गया है। हाल ही में रणबीर कपूर ने जॉन अब्राहम और नरगिस फाखरी स्टारर फिल्म मद्रास कैफे का प्रोमो देखा, और उन्होंने नरगिस की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की, और अपेरेंटली नरगिस की डेब्यू फिल्म रॉकस्टार के डायरेक्टर इम्तियाज अली भी मद्रास कैफे में उनकी परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस्ड है। जब एक रीसेंट इंटरव्यू में एकता कपूर से पूछा गया कि कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा इज रिलीजिंग दिस वीक, हाउ डज शी फील अबाउट द राइवल फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस डूइंग सो वेल एट द बॉक्स ऑफिस, तब एकता ने कहा, आई हैव लर्न्ड वन इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस रीसेंट हलाबलू, देयर इज इनफ रूम फॉर ऑल फिल्म्स, द मीडिया स्केयर्स अस अ लॉट बाय पिटिंग अस अगेंस्ट ईच अदर, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ अ फिल्म, देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री और डिस्टर्ब। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के एक्टर्स यानी अक्षय कुमार और इमरान खान दुबई रॉयल्टी के साथ डिनर करके हाल ही में मुंबई लौटे, और एयरपोर्ट पर मीडिया ऑलरेडी मौजूद थी। इन दोनों ने मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया और शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी उम्मीद है, इसलिए तो फिल्म बनाई थी। बस यही है कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छी जाएगी फिल्म, लोगों को पसंद आएगी, और बस यही है।
डिजाइनर्स माहिका मीरपुरी और गौतम घन सिंह के न्यू क्यूटोर कलेक्शन को अनवेल करती नजर आई एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, जो बनी थी इनकी शो स्टॉपर। करिश्मा लुक्ड स्टनिंग एज़ शी वॉक्ड द रैंप, टेक अ लुक। मस्ती फिल्म की स्टार कास्ट यानी विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिव दसानी को हाल ही में स्पॉट किया गया मुंबई के एक रेडियो स्टेशन में, जहां इस फिल्म का पोस्टर और म्यूजिक लॉन्च किया गया। यहां इन सब ने मीडिया से इंटरेक्ट किया और इस फिल्म के बारे में काफी बातें की। ग्रैंड मस्ती एक ऐसी फिल्म है जहां पर हर सीन एक आइटम की तरह। मुझे लगता है कि इसका म्यूजिक बहुत जबरदस्त रहा एंड लिरिक्स तो माशाल्लाह, मीन क्या बात है। हमारे करियर में पहली बार हम लोग तीनों डांस कर रहे थे और उस दिन एक भी शॉट ओके नहीं था, क्योंकि कभी मैं गुफ अप करता था, कभी विवेक, कभी आफ्ताब, कभी कैमरा, फिर आफ्ताब, उसके बाद फिर आफ्ताब करता था, फिर आफ्ताब, फिर विवेक करता था, फिर आफ्ताब, फिर विवेक, उसके बाद मैं सही करता था, फिर गुफ। तो पूरा दिन इसी तरह चला गया। मेरा फर्स्ट रिएक्शन था जैसे ही मैंने नरेशन सुना, तो मैंने आफ्ताब और रितेश दोनों को फोन किया और मैंने बोला तुम लोगों ने स्क्रिप्ट सुनी। मेरा पहला रिएक्शन है नो वे आई एम गोना डू दिस। सलमान खान, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर निशिकांत कामत की मराठी फिल्म लई भारी में एक स्पेशल अपीयरेंस देते नजर आने वाले हैं। सलमान के साथ इस फिल्म में रितेश देशमुख भी दिखाई देंगे। मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो इमरान हाशमी ने उनकी टेंटेटिवली टाइटल्ड फिल्म बदतमीज दिल के मेकर से ये रिक्वेस्ट की है कि इस फिल्म में उनके और उनकी को स्टार करीना कपूर के बीच एक किसिंग सीन इंक्लूड किया जाए। अपेरेंटली इसकी वजह ये हो सकती है कि जिन जिन फिल्मों में इमरान ने किसिंग सीन किया है वो कामयाब साबित हुई है।